नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी इसे गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। इसी क्रम में जनपद जालौन के जिला मुख्यालय उरई में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नंद गोपाल नंदी ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मंच से पूर्ववर्ती सपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जनता को किसी भी योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ नहीं मिलता था। जनता तक आते आते योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, जबकि बीजेपी सरकार में शासन की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही है। सरकार ने पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि समेत तमाम योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के 8 वर्षों को वह गरीब कल्याण दिवस में मना रही है। सरकार ने इन वर्षों में जनता को तमाम योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाया है। इसके साथ ही अब केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर अब बुंदेलखंड में बंद पड़े औद्योगिक क्षेत्र को दोबारा विकसित करने की योजना बना रही है। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। मंत्री जी, एक समय में यहाँ देखा जा सकती है गुलजार लोगों की, आज यू की हालत बंद हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? भारत में हमारे यहाँ मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलने बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ गंगा जमुना की जो 1100 किलोमीटर वहाँ गंगा जमुना नदियाँ हैं, उनका आसपास हमारे यहाँ पूरे भारत लोकार्पण हो जाएगा। पूरे भारत का लगभग 37.7% लगभग 40% हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है, हमारे पास 2 एयरपोर्ट थे जब 2017 में हमारे साथ है, हमारे 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 95% पर काम 99% काम हो चुका है और हम 4 पर काम कर रहे हैं, तो 9.14, 4, 18, 21 एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बोला पैसा रहा है। उत्तर प्रदेश की इतनी सारी संभावनाएँ कानून व्यवस्था को हमने लागू किया है। आज बुंदेल माफियाओं को हमने उठाने का काम किया है, बुंदेल को किया है, खेल के सलाखों में है। मंत्री जी, रोहित शर्मा जी को पार्टी ने बाहर किया है, तो क्या इस तरह की बयानबाजी जायज है? सरकार ने